हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृश्य आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राजव्यवस्था एंड गवर्नेंस, और चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जो कि है कार्यपालिका यानी कि द एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों, चैप्टर हमारा चल रहा है 10, जो कि है कार्यपालिका, और हम इसमें पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ पहले की वीडियोस आप पहले देखिए, बीच में से पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी कि हम कार्यपालिका पढ़ रहे थे और यहाँ पे हम देख रहे थे कि देखिए, यहाँ पे दो टाइप, एक संघ की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका होती है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है संघ की कार्यपालिका से, उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है राष्ट्रपति। ठीक है, जितना हमने कर लिया, अब हम उससे आगे करने की आगे की हम बात करेंगे गाइस। देखिए, अब हमें करना है यहाँ से राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अगर आप लोग नए हैं तो पहले की वीडियोस देखिए, तब यहाँ पहुँचिए, क्योंकि बीच से समझ में नहीं आएगा कुछ भी। और गाइस, आर ओ ए आर ओ के एग्जाम या दूसरे भी एग्जाम्स जो आ रहे हैं, उसके लिए मैं अगर बताऊँ कि घटना चक्र अगर आप लोग करना चाहते हैं उसके लिए, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एक बात, दूसरी बात गाइस, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम पेज का लिंक दे रखा है मैंने, तो आप लोगों को अगर कोई हेल्प चाहिए, पीडीएफ रिलेटेड भी कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पे क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी, या कोई भी अदर हेल्प आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। और एक चीज़ और, अगर हम बात करें कि बेस्ट बुक की बात करें अगर, तो मुझे लगता है दृश्य आईएएस की जो ये क्विक बुक है ना, ये सारे सब्जेक्ट की बेस्ट है। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये बहुत बेहतरीन बुक है, और सभी एग्जाम के लिए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ लिखा है राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। हम वीटो शक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति होती है उसकी। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, राज्य विधायिका, देखिए एक तो हम जो संसद में मतलब बिल आ रहा था या जो एक्ट पास होने वाला था, वहाँ पे हम देख रहे थे बिल के बिल पर जो संसद में वीटो शक्ति थी राष्ट्रपति की। अभी देखिए, राज्य विधायिका में भी कुछ राष्ट्रपति का हिसाब किताब चलता है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो राष्ट्रपति है ना, देश का क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, और जो कि क्या काम करता है। देखिए, देश की एकता, अखंडता, सुचिता और सहिष्णुता को स्थापित करने के विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, चलिए, इसमें लिखा है एक तरफ जहां वह संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग कर असंवैधानिक जो विधान होते हैं ना, उसे रोकने का काम करता है, वही दूसरी तरफ, मतलब इसने कहा कि जो संसद में विधेयक आते हैं उस पर अगर वो असंवैधानिक होता है विधेयक, ठीक है, तो उसको रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य विधायिका विधायिका द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उसको अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधानों पर रोक लगाता है। मतलब इसने कहा, एक तो हो गया केंद्र में तो डायरेक्ट कर देता है ये काम। ठीक है, अब क्या है, राज्य विधानसभा या विधायिका में जो विधेयक पास हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी वो रोक सकता है अगर असंवैधानिक है तो। कैसे, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अब यहाँ पे हम कहें अधीनस्थ अधिकारी कौन हो जाएंगे, देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है ना कि हम जानते हैं कि राज्यपाल नीचे बैठा होता है हर राज्य में, ठीक है, और इसके ऊपर हम कह देते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी हम जानते हैं। राज्यपाल थोड़ा बहुत जो बात करता है राष्ट्रपति से करता ही है, अगर राष्ट्रपति को लगता है तो वो ये काम करवा सकता है। किस तरह से करवाएगा आगे हम प्रोसेस करते आगे हम देखते हैं। अब इसमें लिखा, चूंकि राज्य विधायिका द्वारा पारित जो विधेयक है राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनते हैं, मतलब जैसे संसद में होता है कि संसद के बाद राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देगा तभी कानून बनेगा, राज्य विधायिका में कौन होता है, राज्यपाल होता है, ये स्वीकृति देगा तभी राज्य विधायिका में कोई जो बिल है ना वो एक्ट बनेगा। अब देखो, इसने कहा कि जो राज्यपाल है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है जो संघीय स्वरूप के आधार संघीय स्वरूप का आधार प्रदान करता है। मतलब कि देखिए, हमने राज्य में भी अपना कुछ बैठा रखा है, कोई बंदा बैठा रखा है, ये कह सकते हैं कि केंद्र ने राज्य में भी अपना एक बंदा बैठा रखा है राज्यपाल के रूप में, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें लिखा, ऐसे में यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के अंतर्गत कुछ विकल्प है। क्या है, देखिए, मतलब देखिए, अब एक बात और, जैसे राज्य विधायिका है उसमें देखिए कहीं कहीं होते हैं विधानसभा, और कहीं कहीं क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। यहाँ बिल पास हुआ, यहाँ पास हुआ, फिर गवर्नर के पास पहुंच गया यानी कि राज्यपाल के पास
पास पहुंच गए। अब इसके पास शक्तियां होती हैं कुछ, ठीक है, अब वो उसका यूज़ कर सकता है। देखिए जब यहाँ गवर्नर भी उसको पास करेगा ना, तभी बिल जो है ना एक्ट बनेगा, यानी कि जो विधेयक है वो अधिनियम बनेगा, ठीक है, यानी कि कानून बनेगा। अगर ये पास नहीं करता है तो कानून नहीं बन पाएगा, एक बात, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या है, आर्टिकल 200 के तहत इसके पास क्या विकल्प हो जाते हैं, देखिए वो क्या करता है कि जो विधेयक है ना उस पर अपनी सहमति दे सकता है, यानी कि जो विधेयक विधानसभा या जिसमें विधान परिषद भी है, तो विधानसभा विधान परिषद के पास जो राज्यपाल के पास बिल गया है उसमें वो सहमति दे सकता है और अपनी सहमति को सुरक्षित भी रख सकता है, या फिर विधेयक को वापस से राज्य विधान विधायिका के पास भेजता है किस वजह के लिए, किस चीज़ के लिए, पुनर्विचार करिए भैया, आपने जो विधेयक आया है आपके पास से उस पर आप दोबारा से विचार करिए फिर भेजिए मेरे पास। हाँ लेकिन ये काम जो है राज्यपाल धन विधेयक पर नहीं कर सकता, पुनर्विचार वाला, ठीक है। और उसके बाद एक और ऑप्शन होता है कि जो विधेयक है ना वो राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है, यानी कि अब ये विधेयक राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है यदि यदि किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचाराधीन रखता है, यानी कि वो कहता है कि भैया अब इस पे राष्ट्रपति भी थोड़ा सा देख रेख लें तो क्या हो रहा है, तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है आर्टिकल 201 के तहत कुछ ऑप्शंस होते हैं। देखिए दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, ये राज्यपाल के पास जो विकल्प थे आर्टिकल 200 में पढ़ लिया हमने, अब जब उसने राष्ट्रपति के विचाराधीन रखा है तो आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, देखिए राष्ट्रपति उस विधेयक को सहमति भी दे सकता है, अपनी सहमति को सुरक्षित भी रख सकता है, या फिर, अब देखिए या फिर क्या है कि ये क्या करेगा ना, राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस से भेज देगा, कहाँ, राज्य विधायिका में, राइट। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास ये वापस से भेजती है ना, तो राष्ट्रपति अब क्या करेगा, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति यहाँ पे बाध्य नहीं है, अगर राज्य विधायिका उसमें संशोधन भी कर दे, नहीं भी करे और राष्ट्रपति के पास वापस आ जाए तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उसमें सहमति दे ही दे, ठीक है। चलो इतनी सी बात आप समझ गए, नहीं समझे वापस से जाइए पीछे और देखिए आप दोबारा से। अब देखिए यहाँ लिखा है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आपको रटना पड़ेगा, 123, आर्टिकल 123, ठीक है। मतलब जो आर्टिकल गाइस मैं कहूँ वो याद कर लीजिएगा, जो मैं ना कहूँ उसको आप छोड़ भी देंगे ना तो चलेगा। जैसे अभी आर्टिकल 200 201 भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे 123 की, ये आर्टिकल नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश। मतलब ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। ऐसी शक्ति प्राप्त प्रयोग केवल जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मतलब ऐसी शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है, सिर्फ भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान जो है कहाँ से आया है, मतलब जो हमारा संविधान बना था हमने बहुत जगह से कुछ ना कुछ लिया था, तो हमने जो अध्यादेश वाली बात ली थी तो वो जब भारत आज़ाद होने से पहले एक अधिनियम था जिसे हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से हमने ये अध्यादेश अपने संविधान में लिया है, अध्यादेश वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस शक्ति का प्रयोग जो है अप्रत्याशित या विलंबनीय मामले से निपटने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव व शक्ति जो है शक्तियां जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालिक अवधि की होती है। मतलब समझिए, देखिए ये बिल्कुल उसी तरह अध्यादेश को मानेंगे ना जैसे संसद जो है कानून बनाती है वैसे ही, लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रकृति होती है ना वो कैसी होती है, अल्पकालिक, यानी कुछ समय के लिए होती है। मतलब जैसे कानून बन जाता है तो हमेशा के लिए बन जाता है, अगर संसद कब बनाती है तो हमेशा के लिए बनाती है, लेकिन इसने कहा इसकी प्रकृति कुछ समय की होती है, ठीक है। आइए देखें क्या है कहानी। तो आर्टिकल 123 के अनुसार जो है अध्यादेश जारी करने की निम्नलिखित परिस्थितियां होती है, मतलब ये है कि अध्यादेश राष्ट्रपति कभी भी जारी नहीं कर सकता, कुछ परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो अध्यादेश जारी कर सकता है, नहीं तो कानून तो वैसे ही बनता है, संसद बनाती है, संसद का काम है ये, ठीक है, कि लोकसभा में पास हो रहा है बिल, राज्यसभा में पास हो रहा है, फिर राष्ट्रपति के पास जा रहा है, वो पास कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इस तो ये प्रोसेस होता है कानून बनाने का। लेकिन अध्यादेश कब आता है, मतलब अध्यादेश भी देखिए कानून ही बनाता है, लेकिन कब करते हैं, कुछ परिस्थितियों में ही अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जारी कर सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या परिस्थिति है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, कि मतलब इसे लगता है भैया इस किसी एक विषय पे कानून बनाना बहुत ही जरूरी है, तो राष्ट्रपति ये काम कर सकता है। दूसरा,
सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिससे वो कानून नहीं बना पा रही, सपोज यानी कि जो संसद का सेशन है वो नहीं चल पा रहा है, तब ये राष्ट्रपति अध्यादेश ला देगा। संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन जो है सत्र में ही ना हो, यानी कि देखिए दोनों सदन की जरूरत तो होती है हमें किसी भी कानून को बनाने के लिए, तो इसने कहा या तो दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा सत्र में ना हो, या फिर लोकसभा राज्यसभा में से कोई एक सत्र में ना हो, तो भी कानून बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अध्यादेश राष्ट्रपति ला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित जो विषय है उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब तीन तरह की सूची होती है, देखिए गाइस, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्यों की सूची, राज्य सूची होती है, एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति है ना वो किस किस पे अध्यादेश ला सकता है, तो संघ सूची पे और समवर्ती सूची पे ला सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश ला सकता है। मतलब समझिए, अभी तक हमने कहा कि तीन तरह की सूची होती है, संघ सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, एक होती है राज्य सूची। तो राज्य सूची पे जो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश नहीं ला सकता, लेकिन दो ऐसे कंडीशन हैं जब ये राज्य सूची पे भी अध्यादेश ला सकता है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो, दूसरा जो है अगर उस राज्य में, राज्य सूची की बात कर रहे हैं तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो, यानी कि राष्ट्रपति ही शासन कर रहा है, तो अभी भी अब वो क्या कर सकता है, राज्य सूची पे भी अध्यादेश ला सकता है। मतलब राज्य सूची में किसी विषय पे, राज्य सूची के किसी विषय पे अध्यादेश ला सकता है। तो ये दो कंडीशन, आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रही होगी ये बातें। अब देखिए, अध्यादेश की अवधि कितनी होती है उस पर विवाद है। ठीक है, समझते हैं। देखिए, मतलब पहले तो हम देखेंगे अवधि और फिर उस पर कुछ विवाद है उसकी बात करें। देखिए, अध्यादेश जो है संसद की पुनः बैठक होने पर दो सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समझिए, अभी मतलब इसने कहा कि राष्ट्रपति तो अध्यादेश ले आया, ठीक है, अब संसद की बैठक होती है, दोनों सदनों में अध्यादेश पारित हो जाता है और ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब इसने कहा यदि संसद द्वारा कोई कार्रवाई, मतलब कार्रवाई ही नहीं हो रही है, ये दूसरी कंडीशन कि संसद द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है और संसद की जो दोबारा बैठक हो रही है उसके 6 हफ्ते 6 वीक तक अगर इस अध्यादेश पर कुछ काम नहीं हो पाया तो अध्यादेश हो जाएगा समाप्त, यानी कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब संसद की बैठक होने के 6 हफ्ते तक ये अध्यादेश पारित होना चाहिए, नहीं होता है तो अध्यादेश हो जाएगा समाप्त, यानी कानून नहीं बन पाएगा, और पारित हो जाता है तो कानून बन जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन जो है अध्यादेश पर क्या लिखा है, निर्नुमोदन कर दे तो ये निर्धारित 6 हफ्ते की अवधि में पहले ही समाप्त हो जाएगा। मतलब अगर संसद के दोनों सदन ही मना कर दे तो ये 6 हफ्ते से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई गई हो तो क्या होता है, ये 6 हफ्ते वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिरी जाएगी। मतलब सपोज हम अभी चल रहे हैं 1 जनवरी में, ठीक है, मान लेते हैं कि लोकसभा की जो बैठक है ना वो 10 जनवरी को होगी, ठीक है, तो 10 जनवरी को हो रही है, और जो राज्यसभा, और इसमें जो है अध्यादेश हो गया पास, ठीक है। अब राज्यसभा की जो बैठक है ना वो हमारी हो रही है 4 फरवरी को, ठीक है, और इसमें भी अध्यादेश हो गया पास। अब भैया अगले, मतलब अब जो होगा कि अगले 6 हफ्ते तक जो अध्यादेश रहेगा ना वो कौन सी डेट से रहेगा, तो वो कौन सी डेट से रहेगा गाइस, 4 फरवरी वाली बैठक में जो पास हुआ है उसके बाद वाली, पहली वाली नहीं मान जाएगी, जो जो दूसरी वाली हो रही है ना, दूसरे सदन की हो रही है उससे मानी जाएगी। फिर से पढ़ते हैं, यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो ये 6 हफ्ते वाली जो अवधि है ना वो बाद वाली तिथि से गिनी जाएगी। मतलब इसने, जो मैंने कहा कि राज्यसभा में 4 फरवरी को ये बैठक, ठीक है, तो 4 फरवरी में सपोज अभी पास नहीं हुआ, ठीक है, अभी मान लेते हैं पास नहीं हुआ, ये 4 फरवरी को ये बैठक आई है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर 6 हफ्ते 6 वीक मान लो आगे, तो इसमें अध्यादेश अगर पास हो जाता है तो ये आगे कानून बन जाएगा, पास नहीं होता इन 6 हफ्तों में तो भैया ये कानून नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसने लिखा है, किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है और संसद में मंजूरी ना मिलने पर 6 हफ्ते
की होती है। मतलब इसने कहा कि अगर हम छः, जैसे हमने कहा लोकसभा की बैठक हुई थी एक मान लेते हैं 10 जनवरी में हुई थी, और राज्यसभा की जो बैठक हुई थी वो 4 फरवरी मान ली। अब हमने कहा 4 फरवरी से अगले 6 हफ्ते, ठीक है 6 वीक, तो अगर 6 वीक में कुछ नहीं होता है यानी कि ये अध्यादेश पास नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये जो अध्यादेश है 6 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है 6 हफ्ते तक होगा। और अगर सपोज ये पास हो जाता है इन 6 हफ्तों के बीच में, तो ये अगले 6 महीने मंथ तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा। मतलब अध्यादेश अगर पास होकर कानून बन जाता है तो वो अगले 6 महीने तक के लिए होगा बस। तभी हमने कहा जो इसकी अवधि होती है ना अध्यादेश की, कानून की अवधि तो वो हमेशा के लिए हो जाती है लेकिन अध्यादेश की अवधि अल्पकालिक होती है, अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य जो है अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। मतलब जो सपोज कि लोकसभा का एक सत्र होता है जनवरी में मान लेते हैं, ठीक है अब इसने कहा जो दूसरा सत्र है ना वो देखिए फरवरी में भी हो सकता है मार्च में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम देखिए एक हमने कह दिया जनवरी में हो गया, ठीक है पहला सत्र मान लेते हैं, दूसरा सत्र इसने कह दिया कि अप्रैल में हो गया, ठीक है ठीक है। तो मतलब अवधि इन दोनों के बीच में कितनी है, अभी देखिए फरवरी मार्च अप्रैल यानी कि 2-3 महीने की, ठीक है। अब इसने कहा एक सत्र हुआ है जनवरी में और दूसरा सत्र इसने कह दिया सितंबर में हुआ, ठीक है तो इसने कहा अभी कितनी हो गई, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कुछ 7-8 महीने की अवधि हो गई, बीच में गैप आ गया। तो ऐसा नहीं हो सकता गाइस, ये गैप मैक्सिमम कितने महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। मतलब पहले सत्र से दूसरे सत्र के बीच का जो गैप है वो सिर्फ 6 महीने का, मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है, मिनिमम कितना भी। देखिए ये लिखा है संसद के दो दो सत्रों के मध्य जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने की होगी। मतलब अगर इसने कहा कि एक सत्र जनवरी में है तो दूसरा सत्र फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यानी कि जुलाई में होना ही पड़ेगा। जुलाई से अगर आप अगस्त चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके इसके बीच में अभी 6 महीने का टाइम है, तो इतने में हो जाना चाहिए, या फिर 5 महीने में हो, 4 महीने में, 3, 2, 1 महीने में हो तो चलेगा, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, यानी राष्ट्रपति की जो शक्ति है ना ये अध्यादेश वाली, उस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देता है समझिए। अब देखिए इसमें लिखा है ना 1970 में क्या हुआ, RC कपूर मामले में, न्यायालय मामले में क्या होता है, न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति की संतुष्टि पर अगर असद्भाव हुआ है तो उस आधार पर क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। एक बात, 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। पहले कहा कि प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि भैया इस पे डाउट हो रहा है हमें, ये बात सही है गलत है, अब इसने कहा कि चुनौती दी जा सकती है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा, हाँ अब इसने लिखा है गाइस अगर ना चलिए कुछ नहीं, और इसमें लिखा है एक है DC बाधवा मामला 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश की जो भाषा है परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो ये क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक है चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसे आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, मतलब एक बहुत खतरनाक शक्ति है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की, इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शक्ति किस आर्टिकल से आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति निम्न आधार पर जो है ना दोषी करार दिए गए व्यक्ति को क्षमा की जो सजा है ना उसको क्षमा कर सकता है, ठीक है मतलब अगर कोर्ट ने उस किसी व्यक्ति को कोई मतलब दंड दे दिया हो तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत एक शक्ति है कि वो उस सजा को जो है ना क्षमा कर सकता है, आप समझते हैं। आगे देखिए अब इसमें लिखा है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को कर सकता है, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड जिसको मिला है उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ठीक है चलो आगे बढ़ते। तो क्षमादान की शक्ति में पहला इसने कहा लघुकरण, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है लघुकरण, इसका मतलब जो इसने कहा ना जो सजा मिली हुई है ना उसकी प्रकृति को बदल सकता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला है तो उसको वो बदल सकता है और उसे कर सकता है कठोर कारावास में, मतलब कह दो आजीवन, मतलब तुम्हें फांसी नहीं मिलेगी लेकिन तुम आजीवन क्या है जेल में रहोगे। तो इस तरह से इसने बदल दिया, मतलब इसने कहा लघुकरण कर दिया। देखिए फांसी की सजा से आजीवन कारावास थोड़ा तो कम हो ही गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, एक होता है परिहार। परिहार में क्या होता है, सजा की जो मात्रा है ना उसको बदल दिया। मतलब इसने कहा कि 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला था जिसे राष्ट्रपति ने 2 से क्या कर दिया, 1 साल कर दिया, समझ गए होंगे आप। अब एक होता है विराम। विराम का मतलब क्या होगा, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर देना, समझिए। अब इसे देखिए, इसमें क्या होता है, कोई सपोज कोई दिव्यांगता है या महिला जो है गर्भावस्था में हो, तो उसकी अब उस वजह से जो है ना उसकी जो सजा है ना उसको कम किया जा सकता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विराम, ठीक है। अच्छा एक और राष्ट्रपति क्या कर सकता है, प्रविलंबन। इसमें क्या होता है, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया है। कोई भी दंड कुछ समय के लिए हम टाल सकते हैं, जैसे फांसी के संदर्भ को फांसी के संदर्भ में फांसी को टालना। गई आपने एक निर्भया ही था शायद, जिसमें 12 साल लग गए थे, 12 साल लग गए थे या कुछ 9-10 साल लग गए थे उसको, तो उसमें आपने देखा होगा ना, उसमें आप सुन रहे होंगे कि जो दोषी थे ना उनकी बार बार जो फांसी की सजा है ना वो टल रही थी। मतलब क्या, जो 4-5 थे, 4 थे शायद, एक तो मर गया था, तो उसमें क्या हो रहा था, जो उनका वकील था ना एक बार राष्ट्रपति के पास एक को लेके जा रहा, तो उसकी फांसी की सजा जब आगे हो जा रही ना, चारों की ही आगे हो जा रही थी, ठीक है। एक क्योंकि चारों को एक साथ दंड मिलना था, फिर वो दूसरे पे आ जा रहा, फिर वो आगे हो जा रही, तो चारों की आगे हो जा रही, मतलब इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा ना, फांसी की सजा को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। अच्छा एक होता है क्षमा। क्षमा में क्या होता है, पूरी तरह से ही आपने सजा ही खत्म कर दी, माफ कर दिया, मतलब इसका तकनीकी मतलब ये हुआ कि अपराध कभी हुआ ही नहीं, मतलब आपने एकदम से उसको क्षमा कर दिया, निकाल दिया जेल से, भैया जाओ आराम से जियो। अच्छा अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसमें लिखा है संविधान का आर्टिकल 161 के द्वारा क्या होता है, राज्य का जो राज्यपाल है उसको भी क्या है क्षमादान की शक्ति मिली हुई है। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो प्रेसिडेंट के लिए पढ़ी थी, ठीक है, और किस आर्टिकल से पढ़ी थी, आर्टिकल 72 से पढ़ी थी। ऐसा ही राज्य का जो गवर्नर होता है यानी कि जो राज्यपाल होता है उसके पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। किस आर्टिकल से, 161 आर्टिकल से होती है। देखिए राज्यपाल जो है ना, राज्य की विधि विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्तियों के संदर्भ में ये शक्ति जो है रखता है, किसमें, राज्य की विधि विरुद्ध अपराध के दोषी व्यक्ति, ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए देखिए गाइस क्या क्या था, एक संघीय विधि के विरुद्ध, ये प्रेसिडेंट का था, और राज्यपाल का हमने देखा किसका था, राज्यपाल का था, राज्यपाल राज्यपाल का तो गए सॉरी, देखिए ये था प्रेसिडेंट के लिए, ये राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल के लिए था आपका राज्य के विधि विरुद्ध, ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक है, बस इसी पे था। राज्यपाल मृत्युदंड पर भी नहीं कर सकता, सैन्य न्यायालय पे भी नहीं कर सकता, समझने वाली बात है। राष्ट्रपति इन तीनों पे क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल सिर्फ एक पे कर सकता है जो राज्य विधि के विरुद्ध हो, ठीक है, दंडित व्यक्ति हो, बस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक एक डिफरेंस आपको पता चल गया दोनों के क्षमादान में। अब देखिए क्या, मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है, अभी हमने पढ़ा। हाँ ये जरूर है कि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित, दंडावधि को कम, दंड का स्वरूप बदल सकता है लेकिन क्षमा नहीं कर सकता, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता कि कहते हैं आपको मृत्युदंड नहीं मिला जाएगा, घर जाइए टाटा। अच्छा राष्ट्रपति से लेकिन हाँ, तो गैस ये मृत्युदंड वाली राष्ट्रपति तो कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखा है कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स कौन कौन से थे, चलो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है मैं आपको बता दूंगी, जो मुझे नहीं लगता वो आप छोड़ सकते हैं। जैसे आर्टिकल 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति, 55 में लिखा है राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, 60 में लिखा है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण, तो 61 देख लीजिएगा गाइस, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 61 भी, 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति है, तो 60 भी, ये भी, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 72 याद रखिएगा। फिर 74 में लिखा है कि जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सहयोग प्रदान
ये भी आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो है ना, जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पे राष्ट्रपति काम करता है। फिर 111 भी इम्पोर्टेंट है, संसद द्वारा जो विधेयक है ना उस पर सहमति प्रदान करना, सहमति दे सकता है, स्वीकृति, सहमति सुरक्षित रख सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए रोक सकता है। तो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, 111। अच्छा, 112 क्या है? वित्तीय हाँ, वार्षिक वित्तीय जो वितरण होता है यानी कि जो बजट होता है वो भी जो समक्ष रखता है संसद के, वो राष्ट्रपति रखता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 123 अध्यादेश जारी करना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। 143 में लिखा है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, यानी कि सारे ही आर्टिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे नहीं है गाइस, कुछ ही हैं, आप इतने याद कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10 तो याद कर ही सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलो भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। हाँ गाइस, अब यहाँ पे ना ये देखिए पूरी लिस्ट लिखी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कब कौन राष्ट्रपति था। अब देखिए कौन कौन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो भी मैं बता दूँगी। देखिए पहली वाली बात हम क्या करते हैं, ये मुख्य प्रतिद्वंदी याद रखने की इतनी खास जरूरत नहीं है। आप क्या है, जो विजयी उम्मीदवार है ना यानी कि जो राष्ट्रपति बने हैं उनको याद रखिए, ठीक है? तो ये तो आधा काम तो यहीं खत्म हो गया। अब देखिए जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो 1952 में थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दुनिया जानती, आप भी जानते होंगे, 57 में भी यही बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब कौन कौन से, फिर 62 में कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। 67 वाले जाकिर हुसैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 69 में बने वीवी गिरी, ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका नाम आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। 74 में फखरुद्दीन अली अहमद है, चलिए ठीक है, इन्हें एक बार को रोक देते हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट सा नाम नहीं। संजीव रेड्डी भी आप सुनेंगे 77 में। 82 में ज्ञानी जैल सिंह, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 87 में आपका वेंकट आर वेंकट रमन है, अच्छा। और 92 में है शंकर दयाल शर्मा है, 97 में है के आर नारायण है, 2002 में APJ अब्दुल कलाम, दुनिया जानती है, मतलब पूरे भारत वाले तो जानते ही। फिर 2007 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल, अब ये तो आजकल के ही हो गए तो आपको शायद याद हो, ठीक है। फिर प्रणब मुखर्जी बनते हैं 2012 में, और अभी रामनाथ कोविंद बने थे 2017 में। अभी जो है वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू, जो यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिखी है तो नहीं लिखी है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है गाइस, देखिए नाम सारे याद नहीं रखने हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे राष्ट्रपति राधा कृष्ण। चौथे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। पांचवे राष्ट्रपति है वीवी गिरी, ठीक है। फिर छठे सातवें राष्ट्रपति याद रखिएगा, सातवें नंबर के है संजीव रेड्डी। आठवें नंबर बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि ज्ञानी जल सिंह, 8 नंबर हो गए। फिर उसके बाद गाइस आगे चलते हैं, ठीक है, 8 नंबर तक हम चल गए। फिर आर वेंकट रमन, ठीक है, और फिर आपके ये 9वें नंबर पे थे। फिर 10वें नंबर पे शंकर दयाल है, 11वें नंबर पे, अच्छा 12वें नंबर पे डॉक्टर अब्दुल कलाम हो गए, 13वें नंबर पे प्रतिभा पाटिल हो गई, 14वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी, 15वें नंबर पे रामनाथ कोविंद। जिस पे नंबर लिख दिए एटलीस्ट वो आप नंबर याद रखेगा कि इस नंबर पे थे, और सन याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 10 बार नहीं 4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में। अच्छा तो गाइस हम भी हमने जो काउंट किया उसमें अब आप बता सकते हैं कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं जो अभी की राष्ट्रपति वो कौन से नंबर की हैं। तो एक क्वेश्चन बन गया, अभी की राष्ट्रपति कौन से नंबर की, काउंट करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आंसर। आगे बढ़ते, राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में न्यायालय के निर्णय। अच्छा देखिए भारत न्यायालय क्या निर्णय देता है, जो राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करता है उस पर। तो भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं है। जब विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई तब सर्वोच्च न्यायालय ने UN राव मामले में कहा कि राष्ट्रपति वही करेगा जो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल सलाह देंगे। मतलब समझिए अब यहाँ पे ये है अपना राष्ट्रपति, ये है अपना प्रधानमंत्री और उसकी पूरी की पूरी मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद कह लीजिए, मंत्रिमंडल कह लीजिए, ठीक है, यानी कि ये पूरा एक हो गया। अब इसमें का राष्ट्रपति ना किसकी सलाह पे काम करता है, राष्ट्रपति अपने आप करता है लेकिन फिर भी किसी की सलाह पे ही करता है, तो ये पूरे के पूरे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। हाँ ये बात संविधान में कहीं लिखी नहीं गई है, बट लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे एक मामला आया, ये वाला UN राव मामला है, जिसमें न्यायालय कहता है कि भैया जो राष्ट्रपति है ना उसको प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं देखिए अलग काम कर सकता है, करता भी है राष्ट्रपति, जैसे आपके APJ अब्दुल कलाम ने किया है, ठीक है, और भी कुछ राष्ट्रपति हुए जिन्होंने किया है खुद से, नहीं तो यही माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करेगा। चलो अब दूसरे से लेगा, 42वां संविधान संशोधन होता है इसके माध्यम, तो इस बात तो इस माध्यम
42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को और स्पष्ट कर दिया गया कि 74(1) में जो सलाह वाली, यानी कि जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पे जो काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, 42वां संविधान संशोधन आता है, उसमें क्या हुआ, 74(1) में क्या कहा, सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब पहले ये हो रहा था कि राष्ट्रपति कर भी सकता है, अपने आप भी कर सकता है, सलाह से भी कर सकता है, अपने आप भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसे क्या कर दिया, 42वें संविधान संशोधन से बाध्य कर दिया। देखिए यहाँ पे सरकार थी इंदिरा गांधी की, बहुत चेंजेस करे थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कि राष्ट्रपति को भैया हम बाध्य बाध्य कर दो कि जो हो रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग करें। मतलब हमारे, देखिए उस वक्त कौन थी प्रधानमंत्री, थी आपकी इंदिरा गांधी, उनकी पूरी की पूरी उनकी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल था, ठीक है। अब यहाँ बैठा है बेचारा राष्ट्रपति, अब इनने कहा कि भैया बाध्यकारी कर दो कि ये बात माने ही माने हमारी, ठीक है। अब फिर क्या होता है, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार हटती है तो 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से क्या होता है, जो 74(1), ये जो 74(1) में जो प्रावधान किया गया था ना बाध्यकारी वाला, अब उस पर क्या करा गया, हाँ, तो ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उस सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मतलब इसने कहा, पहले तो इनने कहा बाध्यकारी कर दो भैया, अब मानना ही पड़ेगा, इंदिरा गांधी ने ये करा कि मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। अब लेकिन जब ये आया ना यहाँ पे, जब उनकी सरकार गई और जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, तो राष्ट्रपति को बाध्यकारी तो बाध्य तो अभी भी है, लेकिन हाँ राष्ट्रपति कह सकता है एक बार कि भैया जो आप मुझे भेज रहे हो जो भी, उस पर एक बार आप ना दोबारा से विचार कर सकते हो, कर मतलब अगर वो चाहे तो भेज सकता है पुनर्विचार के लिए, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने उसे पुनर्विचार के उपरांत भी कुछ संशोधन नहीं किया, या सपोज संशोधन कर भी दिया, ठीक है, कोई विधेयक है सपोज बिल है, तो उसमें मंत्रिपरिषद ने अगर कोई संशोधन कर भी दिया, या कोई भी काम है उसमें संशोधन कर भी दिया, या बिना संशोधन के वापस से राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति क्या होगा, उस बाध्य हो जाएगी कि भैया अब मानना ही मानना है। मतलब यहाँ पे बस एक ऑप्शन दे दिया गया कि एक बार जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन बाध्यकारी अभी भी है, ठीक है। मान लो अगर संशोधन नहीं भी करे मंत्रिपरिषद तो भी उसे मानना पड़ेगा, संशोधन कर दे तो भी मानना पड़ेगा, नहीं करे तो भी मानना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से घुमा फिरा के वही वाली बात हो गई, बस राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें लिखा है क्या राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है, मतलब खाली नाम का ही होता है क्या, ऐसा कुछ है, क्योंकि कर तब प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद ही करें, तो क्या राष्ट्रपति नाम के लिए ये खाली। देखिए यदि ये सही है कि संवैधानिक उपबंधों के अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, ठीक है, हमने अभी देखा। किंतु इतने भर से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि राष्ट्रपति सिर्फ क्या है, एक रबड़ की मुहर है, यानी कि रबड़ स्टैंप है, कि हमने कह दिया कि उसको तो मानना ही पड़ेगा, तो क्या हमने हमने ये कह दिया कि राष्ट्रपति रबड़ की मुहर है, इतनी सी बात से हम ऐसा मान ले, नहीं। तो लिखा है वस्तुतः कई ऐसी स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय करना होता है, मतलब कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह माने बिना अपने विवेक से भी कुछ निर्णय कर सकता है। जैसे यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक, अब देखिए कहाँ कहाँ राष्ट्रपति अपने मन से कर सकता है बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, सपोज कि लोकसभा का चुनाव हो जाता है, चुनाव हो रहा है, अब जैसे 2024 में हुआ वैसा ही कुछ, इसी तरह यदि लोकसभा के चुनाव परिणामों में किसी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही यह निश्चय करना होगा कि स्थिर या स्वच्छ सरकार देने की दृष्टि से किसका दावा सबसे मजबूत है। सपोज इलेक्शन हो गए 2024 के, और भैया कोई भी एक दल जो है पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाया, या कोई भी गठबंधन वाली सरकार जो है ना पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई, अब प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर आ जाता है कि वो अब निर्णय लेगा कि भैया किसकी सरकार बने। तो यहाँ पे वो अपने विवेक से करेगा, ना कि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की हेल्प से, ठीक है। दूसरा देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता देता है जो उसकी राय में लोकसभा का विश्वास प्राप्त करने में सक्षम हो। मतलब अब इसने कहा कि कभी ऐसा हो जाए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, अब राष्ट्रपति क्या करोगे,
क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता दे देगा कि जिस पे वो उसे लगता है, राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ भैया ये बंदा सही है, ठीक है। यदि, अब तीसरा पॉइंट, कब राष्ट्रपति अपने मन से करेगा, यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास खो दे, ठीक है, अविश्वास मत या अविश्वास मत का सामना करने की बजाय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सलाह दे, तो भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से ही निर्णय लेगा लेना मत। अब देखो, को सपोज लोकसभा है, लोकसभा में जिसकी भी सरकार है वो विश्वास खो दे, ठीक है, यानी कि सरकार गिर जाएगी, लोकसभा भंग होगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति के पास अपने विवेक से निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है, कि वो क्या करें। अच्छा, आर्टिकल 74(1), अभी हमने देखा 44वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद अब राष्ट्रपति को ये शक्ति दे दी गई कि वह मंत्री परिषद की किसी अनुचित सिफारिश की, सपोज जो मंत्री परिषद सलाह दे रही है उसने कहा कि अगर कोई अनुचित या बेकार की सलाह अगर उसने दिए, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद को वो जो भी सलाह है उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ये भी एक हो गई। अब लिखा है यदि लोकसभा का विघटन हो जाए, मतलब लोकसभा भंग हो जाए, तो नई लोकसभा का गठन ना हुआ हो तो पुरानी मंत्री परिषद ही नई मंत्री परिषद के गठन तक राष्ट्रपति को सलाह देती है, ठीक है। तो इस समय राष्ट्रपति को विशेष ध्यान रखना होता है कि वे किसी ऐसी सिफारिश को स्वीकार ना करें जो चुनाव में उस दल को लाभ पहुंचाए और कोई बड़ा नीतिगत निर्णय करने के संबंध में हो, ठीक है। देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्या कहा इसने, कहा सपोज कि लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, लोकसभा जब भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई तो मंत्री परिषद भी मान लेते हैं हम भंग सी, क्योंकि जब लोकसभा में तो जो सरकार है उसी में से मंत्री निकल के आ रहे हैं, वही मंत्री परिषद बना रहे हैं। तो इसने कहा कि अब राष्ट्रपति उनकी सलाह पे, जब तक नई लोकसभा मंत्री परिषद नहीं आ जाती तब तक राष्ट्रपति पुराने वाली जो मंत्री परिषद है उससे ही काम करेगा, उसकी सलाह पे काम करेगा। लेकिन वो ये देखेगा कि भैया ये मंत्री परिषद कुछ ऐसी सलाह तो नहीं दे रही है जिससे जो नए वाले जो इलेक्शन आने वाले उससे उसमें उन उस मंत्री परिषद मतलब उस सरकार की हेल्प हो, तो उस पर ध्यान रखेगा राष्ट्रपति, अपने विवेक से काम करेगा वहाँ पे। अब आर्टिकल 78 में भी कुछ स्थितियाँ बनती हैं जो राष्ट्रपति को कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती है, मतलब 78 में भी राष्ट्रपति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाली कुछ स्थितियाँ हैं। तो देखिए उदाहरण के लिए, इसने कहा आर्टिकल 78 खा के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन या किसी विधान से संबंधित जानकारी मांग सकता है। देखिए ये शक्ति राष्ट्रपति पे, कि वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी या विधान संबंधी जानकारी मांग सकता है जब चाहे। और 78(ग) में कहा है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को कोई विषय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का निर्देश दे जिस पर किसी मंत्री ने क्या विनिश्चय कर दिया किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब देखिए, अब इसमें लिखा है उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति को आर्टिकल 103 के तहत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि विधिवत निर्वाचित कोई सदस्य निर्धारित अनर्हता से ग्रसित हो या नहीं, इस विषय में उसका फैसला अंतिम होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे निर्वाचन के टाइम की बात है, तो निर्वाचन आयोग से सपोज राष्ट्रपति ने कोई राय ली, ठीक है, उसके पश्चात जो निर्णय है, निर्णय मतलब राय प्राप्त करने के बाद जो निर्णय करने की जो शक्ति प्राप्त है किसको, राष्ट्रपति की क्या शक्ति प्राप्त है कि विधिवत निर्वाचित कोई मतलब बिल्कुल कानूनी तरीके से निर्वाचित कोई सदस्य है, उस सदस्य निर्धारित अनर्हताओं से ग्रसित है या नहीं, इस विषय में जो राष्ट्रपति है उसका फैसला क्या हो जाएगा गाइस, अंतिम होगा कि वो सही तरीके से निर्वाचित है या नहीं, तो ये राष्ट्रपति बताएगा। अब इसी का स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति उतना कमजोर नहीं है जितना कि उसकी आलोचना करी जा रही है, कि मतलब वो सारा काम जो है प्रधानमंत्री या फिर उनकी मंत्रिपरिषद की हेल्प से करता है, उनके कहने पे करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, जितना हमें लगता है राष्ट्रपति उतना कमजोर नहीं है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ लिखा है भारत का उपराष्ट्रपति, अभी हमने राष्ट्रपति की बात करी, अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो गैस, उपराष्ट्रपति को पढ़ने में ना आप थोड़ा बहुत राष्ट्रपति को अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में जो जो पढ़ा है उसकी कुछ बातें यहाँ आती जाएंगी। जैसे इसने कहा भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, मतलब अमेरिका के संविधान में ऐसा कुछ था उपराष्ट्रपति जैसा, वैसे ही हमने ले लिया अपने में।
अच्छा इसमें लिखा है आधिकारिक क्रम में जो है उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे होता है, यानी अभी हम आधिकारिक क्रम बताते हैं तो सबसे ऊपर हम कहते हैं प्रेसिडेंट होता है, दूसरे नंबर पे होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। मतलब समझिए हमारे पास एक लोकसभा होती है, हमारे पास एक राज्यसभा होती है, लोकसभा का क्या होता है स्पीकर होता है, ठीक है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और जो यहाँ पे होता है ना सभापति, राज्यसभा में क्या होता है सभापति होता है, और सभापति कौन होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि जो एक होता है प्रेसिडेंट एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो यही उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा है उसका सभापति होता है। भारतीय संविधान द्वारा आर्टिकल 63 के माध्यम से उपसभापति के पद का प्रावधान है। ठीक है तो इसने कहा उपसभापति के उप सॉरी सभापति नहीं सॉरी गाइस उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में मिलता है, आर्टिकल 63 में मिलता है। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी अभी तक जो हमने पढ़ी। अच्छा इसके लिए क्वालिफाई मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, एक तो सिंपल है आप 35 साल के हो चुके हो, 35 साल 36 साल मतलब 35 35 के ऊपर हो, ठीक है। दूसरा आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और राज्यसभा देखिए ये राज्यसभा का सभापति बन रहा है इसलिए जो इसके पास योग्यता होनी चाहिए ना वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था गाइस, देखिए अभी हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट पे हमने पढ़ा था लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए प्रेसिडेंट पे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, वही चीज़ हमने राष्ट्रपति में पढ़ी थी लाभ के पद पर ना हो, वैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि उपराष्ट्रपति भी किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल संघ तथा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, मतलब ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद राज्यपाल का पद संघ या राज्य के कोई मंत्री है उसका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अच्छा उपराष्ट्रपति के पद का नामांकन के लिए कम से कम, देखिए हमने जब राष्ट्रपति की बात करी थी तो उसके पद के नामांकन के लिए हमने कहा था 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रस्तावक चाहिए, आपको 20 अनुमोदक चाहिए तब आपका मतलब तब आपका नाम का नामांकन हो पाएगा उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ठीक है यानी कि 20-20 उपराष्ट्रपति के लिए, 50-50 राष्ट्रपति के लिए। अब समझिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, ठीक है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की ही तरह होता है, कैसे, हमने कहा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इसका निर्वाचन मंडल भिन्न है। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो था मतलब इसमें जो जो लोग वोट कर रहे थे वो, और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है दोनों अलग अलग हैं, इसमें अलग लोग वोट कर रहे हैं, इसमें कुछ अलग लोग वोट कर रहे हैं। अच्छा एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करी थी तो हमने कहा था संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और विधानसभा के भी मतलब राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली दिल्ली भी देखा था हमने, पुडुचेरी भी देखा था, तो इसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी देखे थे हमने राष्ट्रपति में। लेकिन अब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो गैस यहाँ हो गई कहानी विधानसभा की खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निर्वाचित सदस्य की बात करी थी संसद की, अब यहाँ निर्वाचित भी होंगे, ठीक है निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे, दोनों होंगे। आगे बढ़े, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हमने कहा था रट लो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है, और जैसे कि किसमें हो रहा था हमने देखा था राष्ट्रपति, ठीक है राष्ट्रपति में भी ऐसा ही हो रहा था, इसमें भी ऐसा हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं गाइस। अब उपराष्ट्रपति की शपथ भी देख लीजिए, देखिए भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की शपथ लेता है, वचन देता है कि अपने पद और कर्तव्य का क्या है निर्वहन श्रद्धा पूर्वक करेगा, ये हो गई उसकी शपथ, ठीक है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है, मतलब इसने कहा उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है, तो भैया राष्ट्रपति दिलाता है, और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि भैया आप दिला दो, तो वो दिला देगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि अपना पद ग्रहण करने के 5 साल तक, वही
राष्ट्रपति में भी पढ़ा था, उपराष्ट्रपति का भी वैसे ही। अच्छा, पदावधि के समय क्या होता है कि वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, किसको देता है यहाँ पे, राष्ट्रपति को। तो 5 साल पहले ही वो अपने पद से हट सकता है। चलो और देखिए, अब देखिए, अब इसने कहा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने राष्ट्रपति में महाभियोग पढ़ा था, इसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अब देखो, राज्यसभा क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। तो इसको जब हटाना, तो राज्यसभा जो है ना, संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से अगर वोट कर दे तो उपराष्ट्रपति हट जाएगा। इसके लिए शर्त कितनी है? इतनी कि उसको ना, उपराष्ट्रपति को जो है, राज्यसभा पहले ना 14 दिन पहले नोटिस देते, भैया हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है। ये सब नियम बाद में बनाए गए, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता की बात करते हैं। देखिए, पदावधि 5 वर्ष की होती है, जब वो खत्म हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा खाली, एक बात, 5 साल बाद खाली। या उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो भी उसकी जो सीट है वो खाली हो जाएगी, या उपराष्ट्रपति को निकाल दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, तो भी उसकी सीट खाली हो जाएगी। उपराष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी निर्वाचन की अवैधता, यानी कि अवैध तरीके से उसका निर्वाचन हुआ है, तो भी वो हट जाएगा अपनी सीट से, ठीक है। अब इसने कहा, पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त तो होना हो, तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाए। मतलब इसने कहा, 5 साल में अगर उसका पद खत्म होना है ही है, तो 5 साल से थोड़ी सी पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराइए, ताकि जैसे ही उसके 5 साल खत्म हो, अभी जो है वर्तमान वाले का, जैसे ही 5 साल खत्म हो तो नया वाला आके बैठ जाए। अब इसने कहा, मृत्यु है, त्यागपत्र है, निष्कासन है, ठीक है, अन्य किसी कारण से अगर पद रिक्त होता है, तो हम इस जल्दी से जल्दी चुनाव करा देने चाहिए। नए उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। चलिए, ये बात हमें पता है। अब यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है, वैसे राज्यसभा में कौन होता है? सभापति। और सभापति कौन बनता है? जो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसने ना इस इसके ना होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मतलब सपोज ये राज्यसभा है, ठीक है, और ये बैठा है हमारा सभापति, यानी कि उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। सपोज वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो राष्ट्रपति आता है, कहता है इसमें, इस राज्यसभा में से किसी एक सदस्य को जो उसे सही लगता है, उसको आके यहाँ पे सभापति की चेयर पे बिठा देता है। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे है उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। तो वीडियो हो गई है थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी, तो गाइस इसको यहीं पे ब्रेक दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ 46 मिनट की वीडियो हो गई है, तो यहीं पे रोक देते हैं गाइस। बाकी का जो है ना, अगले जो है वीडियो में हम करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, ठीक है। और गाइस, फिर वही बात, घटना चक्र की वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है, मैंने दे रखा है, टेलीग्राम पेज का लिंक दे रखा है, आप उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी PDF रिलेटेड या कोई भी अदर हेल्प चाहिए, आपको यहाँ मिल सकती है। चलो आगे, तो गाइस जो आगे का पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।